अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगी। अभी गिरी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। एजल उठाओ, वो उठाओ प्लीज़। यस, तो बस आज की रूटीन थोड़ी सी लेज़ी होने वाली है क्योंकि मैंने सहरी नहीं की और अभी मेरी तबीयत बहुत डाउन है, थकावट हो रही है। और हाँ जी, तो इसने मेरा मोबाइल गिरा दिया था मेरे हाथ से, तो थकावट हो रही है। ऊपर से आज कुछ बनाना भी नहीं है ख़ास, वही लोबियों के लिए चावल बनाने हैं, वाइट राइस। नो इधर लो। तो बस ऐसे बैठे हुए, कुछ करने को है नहीं, घर भी साफ है। बाद में शायद आयरा को नहला दूँ, इधर को नहलाना बहुत मुश्किल है, लाइक बहुत ही मुश्किल। और वहाँ से धूप आ रही है मज़े की, इतना मज़ा आ रहा है। तो बस चले रेस्ट करती हूँ, उसके बाद जब कुछ करने लगूँगी किचन जाऊँगी, उसको लंच भी करवाना है, फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है? सो आज मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो मैंने सोचा नहला देती हूँ इनको। तो ये पहले मैं आयरा को नहलाती हूँ, ये एजल का ड्रेस था बट इसको अब पूरा आ जाएगा। ये थोड़ी सी लाइक हाइट वाइज, लाइक इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है। सो इसको नहलाते हैं, इसकी चीज़ें तैयार करते हैं सबसे पहले। तो आयरा को मैंने नहला दी है माशाल्लाह से, और अभी एजल के लिए खाना गर्म कर रही हूँ, वही कल वाले राइस और चिकन और कबाब। तो आयरा को, एजल को खाना देती हूँ, फिर इनको खिला देती हूँ। और मैंने सोचा है कि जूस भी अभी बना देती हूँ क्योंकि कल वाला ख़त्म हो गया, एजल ने अभी पिया है। तो अभी ये रूह अफ़ज़ा बनाते हैं आज, तो रूह अफ़ज़ा बना लेते हैं और साथ में और तो कुछ नहीं करना, और मैं सारा कुछ बाद में करूँगी, जैसे वाइट राइस बनाना और पकौड़े बनाने, वो बाद में होगा। तो बस चलिए गर्म हो गया, तो मैं इधर लंच करवाती हूँ। और हस्बैंड मेरे अभी तक नहीं आए, वो आते हैं तो फिर मैं बनाती हूँ जूस, ठीक है? तो चावल माशाल्लाह इधर ने सही मज़े से खाए हैं, और चिकन भी सारा, चावल बहुत मज़े के बने थे। इसको मैंने दही दी है अभी और साथ में चिकन की पीसेस। तो चलिए ये धोते हैं, उसके बाद जूस बनाते हैं रूह अफ़ज़ा, और उसके बाद बस रेस्ट करते हैं। तो मैं रूह अफ़ज़ा ऐसे बनाती हूँ, एक जग पानी, साथ में रूह अफ़ज़ा, ये काला नमक और ये लेमन जूस। तो ये बनाते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ कैसा बनता है। जी जान, जिस बना रही हूँ जिस, तो चलिए बनाती हूँ, इसको भी देना है फिर। और चीनी के यहाँ बताना भूल गई थी, चीनी भी मैं ज़रूर डालती हूँ, थोड़ी सी डालती हूँ बट डालती ज़रूर हूँ, ठीक है? जूस हमारा तैयार हो गया, इसको रखते हैं फ्रिज में, और अब अफ्तारी टाइम आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह, ठीक है? सो 5:30 हो रहे हैं और मैं अभी आ गई हूँ किचन में। ये मैंने रीफिल किया है, मेरे हस्बैंड आज डेट्स लाए मेरे, हमारे ख़त्म हो गए थे, तो ये वही चाट पड़ी है, मैं ही खाती हूँ, हस्बैंड नहीं खा रहे हैं। और ये है हमारा लोबियों का सालन, इसको जस्ट गर्म करना है। और ये रहे हमारे चावल, तो सबसे पहले मैं चावल बनाती हूँ। और ये मैंने सारा मिक्सचर तैयार किया है, ये आलू के पकौड़े हैं, और ये रहे प्याज के पकौड़े, फ्रेश धनिया डाला है मैंने ऊपर से, तो ये तो बाद में बनेंगे, सबसे पहले बनाती हूँ चावल। और मेरे हस्बैंड आज पीनिया लाए हैं, ये पीनिया मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं खाई बट वो बता रहे थे कि हम बहुत खाते थे बचपन में, तो मुझे तो इसके बनाने का तरीका भी नहीं आता। ये मैं नेट से देखूँगी, उसके बाद सहरी में बनाएंगी पीनिया। और फिलहाल तो बनाते हैं अपने वाइट राइस, ठीक है? जब ये बन जाएगी उसके बाद मैं फ्राइंग स्टार्ट करूँगी। पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है, तो एक मैंने चिली डाल दी और ऊपर से थोड़ा सा घी सीधी बस ये डाल के आप इसको स्लो फ्लेम पे दम पे पका लेंगे। इधर गैस का ढक्कन ये रहा, और ये देसी घी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, असली का बहुत बेस्ट है। हेलो, तो मैं बाहर जाने के लिए तैयार हो गई हूँ, और मेरे साथ एक सीन हुआ है, मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाई अफ्तारी करते वक्त, बट मेरे पास पिक्चर है, वही मैंने लगा दी है।
और अभी मैंने ये चाय बनाई है, चाय पीते हैं और उसके बाद जाते हैं थोड़ी बहुत ग्रोसरी लेनी है, क्योंकि कल मैंने क्या नाम है मंचूरियन और चाइनीज़ राइस बनाने आई हॉट बनाने हैं, तो उसके लिए मेरे पास कैप्सिकम वगैरह नहीं है, तो वो लेनी है, थोड़ी बहुत और चीज़ें लेनी हैं। तो फ़िलहाल तो चाय पीते हैं। वो अभी पता है खुद ही माशाल्लाह सोफ़े पर चढ़ी है, फिर सोफ़े से उतरी है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फ़िलहाल तो चाय पीते हैं और बाबा इट्स डर्टी ना डर्टी, इसको पता ही डर्टी कपड़े कहाँ डालने, चली जाती उधर ही खुद डाल के आ जाती है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखना डर्टी कपड़ों में डाल रही है, बिल्कुल आपकी बेटी मुझ पे गई है माशाल्लाह हुनरमंद। और दूसरी के ओह माय गॉड गंदा तरीन स्पंज जो इन लोगों ने खा खा के इसको और बेहुदा कर दिया है, ये इसी ने दिया है मुझे पता है। तो बस अभी चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद थोड़ा निकलते हैं बाहर जाते हैं। और ये ड्रेस जो मैं फ़र्स्ट टाइम यू ही आई थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था, तो उसके बाद मैंने पहने ही नहीं क्योंकि यहाँ से टाइट है और मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, तो फिर बुरा लगता है, इसको पता है कि चाय है। तो बस चले अब चाय पीते हैं फिर निकलते हैं, फिर मैं आपसे बाहर ही मिलूँगी इंशाल्लाह। सो अभी हम कार 4 आए हैं और कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी, ये आटा वाटा ना एक सॉरी अंडे और ये जो सामान होता है, और मेरा आटे का जो रोटी का पॉट है वो ख़राब हो गया था, तो एक ये लिया है। और ये हम यहाँ पे हुक्का देख रहे हैं शीशा, और आप हाँ हस्बैंड नहीं देख रहे, मैं देख रही हूँ, और ये इसके फ्लेवर्स हैं तो देखते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह तो घर हम आ गए, एक ये हुक्का लिया है किसी के लिए, और ये इसके फ्लेवर्स हैं, एक ये मिंट है और एक ये एप्पल है, 2 apples, और ये है हुक्का, इसके साथ सारा सामान है, जैसे ये एल्युमिनियम फॉइल है, ये टोंग है, यहाँ पे वो है कोयला है, और बाकी ये इसकी प्लेट है जिस पे बनता है। और ये आलू लिए हैं, ये कैप्सिकम कल उसके लिए चाइनीज़ राइस के लिए, ये टमाटर, ये प्याज, दही, अंडे, ये बाउंटी, यहाँ पे चॉकलेट्स पे बहुत अच्छी डील है, ये मिल्क, और ये मुझे कंटेनर जो चाहिए था आटे के लिए, मेरा वाला ख़राब हो गया और वो छोटा भी काफ़ी ज़्यादा है, तो मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है। तो बस ये सारा सामान था, और अभी मैं यहाँ पे साथ ही बना रही हूँ ग्रीन टी, क्योंकि हस्बैंड की तबीयत लाइक उनको थोड़ा सा फ्लू फील हो रहा है, तो मैं इनका ग्रीन टी बना देती हूँ साथ, टेबलेट खा ली एलर्जी वाली, तो बस यही कर रही हूँ। और वहाँ पे चढ़ी हुई है टेबल के ऊपर, और बस अभी ग्रीन टी बनती है, जो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, फिर फ़िलहाल इन चीज़ों को समेटना है, ठीक है। बस अब मैं ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, सब कुछ हो गया है, बस इज़ल का मिल्क गर्म होना रहता है, क्योंकि इसको मैं फ्रेश मिल्क देती हूँ तो ये इसको गर्म करना पड़ता है। तो अब बस मैं ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में लगा दूँगी इंशाल्लाह सही टाइम। नेक्स्ट ब्लॉग में अपना ख्याल रखे, दुआओं में याद रखे, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।